आज एक पेशेंट और हमारे साथ जुड़े हैं, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह रंजन है। राजेंद्र सिंह रंजन, थोड़ा तेज बोलेंगे थोड़ा। राजेंद्र सिंह रंजन। हाँ, जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी राजेंद्र जी आपको? चलने फिरने में सांस फूलती थी, वो अब नहीं फूलती। 8.9 था, बट के 2.6 हो गया। उससे पहले जब आए थे तब कितना था ग्रेट नाइन का? 9.8 है। अच्छा, और जब आए थे उस समय आपको डॉक्टर्स ने क्या, कहाँ के रहने वाले हो आप? बेसिकली ललितपुर से रहने वाले हैं, आसपास पड़ता है यूपी। हाँ जी, यूपी से। जब आए थे तो ललितपुर में क्या बताया था डॉक्टर्स ने आपको वहाँ पे? नाइन जब क्रेट नाइन आ गया था नाड़ी फॉर फिस्टुला बनवाने के लिए, नाड़ी बनवाने के लिए। अच्छा, उस टाइम बता दिया था कि फिस्टुला बनवाओ, डायलिसिस होगा। हाँ, डायलिसिस होगा अलग अलग, ज़्यादा 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 टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मतलब एक या दो महीने में डायलिसिस की संभावना है। अच्छा, तो उस टाइम मतलब डायलिसिस का एडवाइस कर दिया गया था आपको? अच्छा, फिजिकली भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी उस समय, बताया जरा, खुल के बताया जरा, बेझिझक बताया कि क्या क्या दिक्कत तकलीफ थी उस समय। फिजिकली में यही सुधार, जैसे अप्रॉक्स 100 मीटर चलने के बाद उनको थोड़ा सांस मिल जाती थी, रुकना पड़ता था, वेट करते थे और फिर चलते थे। और ये हर बार यही होता था लगभग। और डाइजेशन में थोड़ा इशू होता था कि ज़्यादा खाना भी नहीं खा पाते थे, ठीक से खाना नहीं खा पाते टाइम टू टाइम, और ज़्यादा खाते थे तो वॉमिटिंग वगैरह आनी। अभी वॉमिटिंग आ रही है आपको? नहीं, डायलिसिस आपने कराया इनका? अभी नहीं कराया, नहीं कराया। 9 क्रेट 9 था इनका, 9. कितना है, 8.1, ऑलमोस्ट 10 था। अभी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई है आपने वहाँ? अभी तो नहीं। वो तो देख के रिपोर्ट को ऐसे हैरान परेशान हो जाएंगे, इतनी बढ़िया रिपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ये काम होता नहीं है और डायलिसिस कराना पड़ता है। हाँ, उन्होंने बोला ही था, बोल दिया था कि हम डायलिसिस ही करें। रख लीजिए, देख लीजिए, प्रिंट ले लीजिएगा, ये रिपोर्ट जो है ना ये सब कुछ बता देती हैं, इसके आगे कुछ नहीं होता। 9.8 है ग्रेड 9, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और पोटेशियम सोडियम थोड़ी थोड़ी सब इम्बैलेंस है। ये 29 जून 2019 की रिपोर्ट है, जब ये आई थी डायलिसिस की स्थिति थी, 9.8 ग्रेड 9 आ गया था। झांसी की रिपोर्ट है, रूबी पैथोलॉजी बड़ा सेंटर है, काफ़ी सारी रिपोर्ट आती हैं वहाँ से। उसके बाद एक इन्होंने कराया है 28/8/2019 को, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक कम हुआ 6.92 ग्रेड 9 हुआ। और अभी एक लेटेस्ट करा के लाए हैं, कल का ही कराया, दो दिन पहले का है। आज 16/11/2019 16 नवंबर की रिपोर्ट है ये, 2.68 हो चुका है क्रेटिनिन इनका। और जब हमने शुरू किया था उस समय क्रेटिनिन इनका काफी बढ़ा हुआ था, दैट वाज अराउंड 9.81, इट इज केम डाउन टू 2.68, 9.8, 2.6, 9.8 वाज ऑन 29 जून 2019। एंड ये जो 2.68 आया है 16/11/2019, तो देख लीजिए इसको, तो मैं स्कैन करके लगा दूंगा रिपोर्ट्स को, ये रिपोर्ट्स आके दिखाइए जो किडनी पेशेंट है उसको। ऐसी हज़ारों की संख्या में रिपोर्ट्स हमने अटैच कर रखी हैं, प्रिंट लीजिए, देखिए और एनालाइज कीजिए कि किस प्रकार से पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट आ रही है। और एक मेरे को नहीं लगता कि हार्डली शायद कोई एक सिमिलर लैब की रिपोर्ट्स होंगी, ऑलमोस्ट सब लैब्स की अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, और किस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट आई और किस प्रकार से चेंजेस आए हैं वो आपके सामने है। 9.8 डायलिसिस एडवाइस था, अभी 2.68 हो चुका है, डायलिसिस भी जरूरत नहीं पड़ी, राय भी नहीं, स्वस्थ महसूस कर रहे हो ना अभी तो? फिर अच्छा लग रहा है, वॉमिटिंग वगैरह वो सब जो पुरानी बातें हो गई है, पहले आ रही थी और उसे हो रहा था, अब तो उस तरह का कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं और बहुत अच्छे चेंजेस भी आए हैं, क्रिएटिनिन भी कम हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग, और टोटली डायलिसिस से भी आप बाहर हैं, ये तो बहुत अच्छे चेंजेस हैं। एंड 2 की रेंज में आ चुका है, डायलिसिस से टोटली बाहर है, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे किडनी पेशेंट को? किडनी पेशेंट हैं जो परेशान होते हैं ना, जैसे आप थे, आप झांसी जा रहे हो, ललितपुर जा रहे हो, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा रहे हो, वहाँ पे डायलिसिस बताया जा रहा है, नाड़ी बनाने के लिए बताया जा रहा है, तो पूरा घर हिल जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेशेंट को जो आपके पिताजी की तरह पीड़ित है? ये तो पीड़ित थे, वो भी पीड़ित है क्योंकि ये तो बाहर आ गए। ये कहना चाहेंगे सर कि या फिर ये सजेशन समझ लीजिए या पेशेंट के लिए समझ लीजिए, ये है कि अगर आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए या फिर कि आप सर थोड़ा और एडवर्टीजमेंट कर ले प्लीज, तो वहाँ शायद और पेशेंट भी सही हो जाएंगे।
एडवर्टाइजमेंट से ना कुछ ज्यादा नहीं होता, ज्यादा फायदा होता है जब आप जैसे पेशेंट अपना फायदा जाके बताते हैं, क्योंकि वो जो होती है ना वो वर्ड ऑफ माउथ होता है, वो अलग चीज होती है, एड वगैरह से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स है ना, और धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ऐसी बात नहीं कि अवेयर नहीं है लोग, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। हम देख रहे हैं कितने लोग परेशान थे नेफ्रोलॉजिस्ट से, इन इंडिया से बाहर से भी बहुत लोग हैं जो परेशान थे और जिनको फायदा हुआ है, जो वेस्टर्न साइंस जहाँ से आई है वहाँ के लोग भी अब विदे कमिंग टू आयुर्वेदा वो फॉलो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो ज़्यादा मैं देखता हूँ इंडियंस में हमें जो है ना, हम अपनी पैथी को भूल के थोड़ा सा ज़्यादा वेस्टर्न की पैथी की तरफ जा रहे हैं, वो लोगों को वो एंटीबायोटिक्स खा खा के परेशान हो चुके हैं, वो पैथी से परेशान पूरे हो चुके हैं, वो आते हैं तो वो थोड़ा और ज़्यादा लगाव से फॉलो करते हैं। मैंने देखा अभी ये चेंज है, रिसेंट चेंज है, और बाकी तो इंडियंस तो थोड़ा आ ही रहे हैं, बहुत भी जाग भी रहे हैं। सर हाँ, इन सब चीज़ किडनी वगैरह का बहुत पेशेंट है, बहुत ज़्यादा है, और हमें लगता है कि सर जैसे आप जो आप अप्रोक्स अगर बजट वगैरह देखें तो हमें तो नहीं लगता सर लगभग लगभग सेम ही है, बस ये होता है किसी को इंस्टॉलमेंट टाइम में देना, ये तो इनको तो देखो इनका अभी शरीर बचा हुआ डायलिसिस में, हाँ, शरीर पूरा खत्म हो जाता है, वो ज़्यादा बेटर ठीक है, एक बार हम किसी को लगता है लेकिन ये वो अच्छा है सर। तो क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी पेशेंट, हम ये कहेंगे अगर इस स्थिति में है तो एक बार बस यहाँ आके ट्राई कर सकते हैं, देख लो आपको एक बार अगर अनुभव ठीक लगे तो फिर आगे चल लें, बाकी कोई सुनिए लेकिन है अच्छा ही, रियल में सर ने अच्छा काम किया इस चीज के रिगार्डिंग। राजेंद्र सिंह जी ललितपुर यूपी के निवासी हैं और बहुत से रिजल्ट आए हैं, रिपोर्ट बता रही है किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट आई है, और इतनी बहुत ही दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इम्प्रूवमेंट एज वेल, बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट हैं, बहुत अच्छे चेंजेस हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम में भी नहीं हुआ। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है 77 तरुण एनक्लेव, गेट नंबर 2, परवाना रोड, पीतमपुरा, अपोजिट भगवान बुद्धा अपार्टमेंट, दिल्ली 110034। हमारा नंबर है 0987171205001 4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं।